तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ कि जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग के ऊपर हम प्रैक्टिकली वीडियो लेकर के आएंगे। दोस्तों, ये हमारे पास मोबाइल फोन का बोर्ड है और हम लोग जो बात करने वाले हैं वो प्रैक्टिकली वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है ठीक होने के लिए, मोबाइल फोन रिपेयरिंग के ऊपर, ये जितने भी सारी जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, ये हमारा मोबाइल फोन बेसिक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट मोबाइल फोन बेसिक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आया हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वादा किया हुआ था कि हम लोग मोबाइल फोन के अंदर प्रैक्टिकली काम कैसे किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात क्या, जितने भी सारे दोस्त हैं आप लोग सोचते होंगे कि हमारे पास अगर कल को कोई भी मोबाइल फोन आएगा ठीक करने के लिए, तो जो रिपेयर करने वाला टेक्नीशियन है, जो काम कर रहा है, मतलब मदरबोर्ड में जो रिपेयरिंग कर रहा है, तो मदरबोर्ड रिपेयरिंग करने में क्या ऐसा चीज है जो कर रहा है जिसकी वजह से हम उसके मोबाइल फोन बन रहे हैं, या जितने भी सारे जो नए लोग होते हैं उन सब लोगों के साथ में ये परेशानी आती है कि अगर हमारे पास मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आएगा तो हम कैसे करेंगे, वो कैसे आयरन कहिया का इस्तेमाल करता है, कैसे पेस्ट का इस्तेमाल करता है, कैसे सोल्डर का इस्तेमाल करता है जिसके माध्यम से कोई भी यहां से वहां सप्लाई को जोड़ देता है, किसी भी ट्रैक को जोड़ देता है, या कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन को ठीक कर पाता है, तो कैसे ठीक कर पाता है दोस्त, उसका सबसे मेन जरूरी होता है वो होता है हैंड स्किल। हैंड स्किल का मतलब होता है कि जब तक आपको मोबाइल फोन के मदरबोर्ड पे प्रैक्टिकली काम करना नहीं आएगा, तो आप भाई कितना भी गाल बजाते रहिए लेकिन काम कुछ नहीं होने वाला। काम कैसे होगा, जब आपका हाथ मजबूत होगा, आपको काम करना आएगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, ये प्रैक्टिकली वीडियो लेकर के आया हूँ, इन वीडियो के ऊपर आप लोग अच्छे से देखें, समझें, और इस प्रैक्टिकल को मैं एक एक करके मैं आपको आपके सामने करके भी दिखाऊंगा, उसका तौर तरीका भी बताऊंगा। लेकिन सर, मैं आपको बेसिक चेकिंग एक सिखाने वाला हूँ, जो आप बेसिक रिपेयरिंग सिखाने वाला हूं, जो आप लोग देखिए, हमें फॉलो करिए, और मैं आप लोगों से वादा करता हूं अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके पास जो भी मोबाइल फोन आएंगे ठीक होने के लिए, तो बहुत आप आसानी से मोबाइल फोन को रिपेयर कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। सबसे पहली बार रिपेयरिंग करने के लिए मैंने आपको टूल्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास क्या क्या टूल्स होते हैं, हमारे पास क्या क्या सामान होते हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अगर वो चीजें हैं तभी हम लोग काम कर पाएंगे, अगर वो चीजें नहीं है तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये सब सीखने के लिए, समझने के लिए हमारे पास कुछ टूल संसाधन का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन, लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के हम लोग टेक्निकली कोर्स कराते हैं। अच्छा, ये जो सीरीज में लेकर के आया हूँ, जो प्रैक्टिकल के ऊपर सीरीज है, आप लोग दोस्तों ये हमारी सीरीज को पूरा फॉलो करिएगा, पूरा अच्छे से देखिएगा, और अगर थोड़ा सा आप अपने लिए कर सकते हैं या आप हाथ पर हिला के काम करिए तो थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। हाथ पर हिलाने का मतलब है आप लोग मोबाइल फोन को, कोई भी टूटा फूटा स्क्रैप मोबाइल फोन है, आप ऐसा दो चार प्लेट अरेंज करिए, कोई भी खराब फोन मिल जाएगा, प्लेट अरेंज करिए। प्लेट अरेंज करने के बाद एक आयरन है, चिमटी है, मल्टीमीटर है, पेस्ट है, ये थोड़ा सा सामान को कलेक्ट करिए। जब आप इस सामान को कलेक्ट करेंगे, मतलब टूल्स अरेंज करिए। देखिए दोस्तों, हम लोग को काम करने के लिए ऐसा हमारे पास टूल्स होना चाहिए। ये टूल्स जब तक आपका अरेंज नहीं होगा, तब तक आपको मोबाइल फोन में काम करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा आएगा। तो ये टूल्सों के माध्यम से ही हम तो मोबाइल फोन को ठीक करते हैं। तो आज हम लोग जो प्लेट के अंदर जो सीखने वाले हैं, मैं आपको जो सिखाने वाला हूं, मोबाइल फोन के अंदर वायरिंग कैसे करी जाती है, मोबाइल फोन के अंदर कनेक्शन कैसे करे जाते हैं। जैसे मान लिया आपके मोबाइल फोन के अंदर पीसीबी बोर्ड लगा है, इस पीसीबी बोर्ड के अंदर चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है, चार्जिंग कनेक्टर बदलते समय कई बार उसका लाइन खराब हो जाता है। जब लाइन खराब हो जाएगा तो ये सप्लाई यहां से इसके बीच में जो कंपोनेंट्स लगा होगा वहां पर जाएगा। अगर कल को ये लाइन ब्रेक हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से उठा करके यहां पर ऐसे जम्पर मार देते हैं। जम्पर को जिसकी भाषा में हम लोग वायर बोलते हैं, ये एक ऐसा वायर आता है। ये देखिए, अभी मैं कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा तो आपको और अच्छा दिखेगा। तो आप इसे जोड़ देंगे जिससे हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो मोबाइल फोन के अंदर जम्परिंग कैसे करी जाती है।
मोबाइल फोन में जम्पर कैसे लगाए जाते हैं? कई अलग अलग तरीके के जम्पर होते हैं, मैं सभी तरीके के जम्पर लगाना आपको बताऊंगा। जैसे डिस्प्ले में जम्पर लगाना, कीपैड में जम्पर लगाना, कंपोनेंट्स में जम्पर लगाना, जैक में जम्पर लगाना, स्लॉट में जम्पर लगाना, किसी आईसी में जम्पर लगाना, इस तरीके से आप थोड़ा सा जब करेंगे। अच्छा, ये काम आप जब बिल्कुल फ्रेशर है नए तो हो सकता है आपसे एक बार ना हो, तो दोस्त मैं आपको एक आपको तरीका बताता हूं, उस काम को मेरे फॉलो करिए। उस काम को करने का मतलब होता है सिर्फ दोस्त आप 50 टाइम करिए, मात्र 50 बार। कितनी बार? 50 बार। अगर आप 50 बार करते हैं तो मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूं, अगर 51 बार अगर आपका अच्छा ना हुआ तो मेरा वीडियो देखना छोड़ देना। दूसरी बात क्या है, अगर इस वीडियो देखने के बाद, सीखने के बाद आप अगर मदरबोर्ड पे 100% मैं कहता हूं अगर कुछ काम करना ना सीख पाए तो मेरा नाम बदल देना, मैं इतनी बड़ी बात चैलेंज के साथ में कहता हूं। क्योंकि जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो पूरे YouTube में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें होती हैं, लेकिन सर इनको कोई नहीं सिखाता। क्यों नहीं सिखाता? क्योंकि अगर आपको सिखा दिया तब तो तुमको काम करना आ जाएगा, पूरा नॉलेज पता चल जाएगा, तो आप काम कैसे कर पाएंगे। तो चलिए मैं टॉपिक के ऊपर चलता हूं, मैं आपको करके दिखाता हूं। इसको करने के लिए सबसे पहली बात, हम लोग अपने कैमरे पर चलेंगे, वीडियो को मैं अच्छी तरीके से शूट कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक वीडियो में आपको सारी चीजों को अच्छी तरीके से कवर करूं, दिखा सकूं, समझा सकूं। और अगर कोई भी थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप अंडरस्टैंडिंग करिएगा, उस चीज को समझिएगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करिएगा, कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा। अब देखिए, सबसे पहली बात, काम करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इस तरीके से टीवी वाला पेस्ट होना चाहिए, 10-20 रुपए का आप ले लीजिए जम्पर लगाने के लिए। आप इससे अच्छा भी पेस्ट आता तो भी ले लीजिए, मैं आपको सब बच्चों को थोड़ा सा सस्ता आइटम इसलिए बता रहा हूं ताकि सस्ता बेहतर नहीं होता, लेकिन सीखने के लिए तो दोस्त बेहतर होता है। सीखने के लिए तो वही चीज चाहिए जिसमें हमारा कम से कम खर्चा लगे और हमारा ज्यादा से ज्यादा हमको नॉलेज मिले। क्या? खर्चा कम, नॉलेज ज्यादा। क्योंकि जब हम सीख रहे होते हैं तो दोस्त वो चीजों को सीख नहीं रहे होते, एक्चुअल में खराब कर रहे होते हैं। मोटी भाषा में जैसे कहते हैं, नहीं आपको कांच की कटिंग सीखनी है, आपको शर्ट बनाना सीखना है, तो पहली बार में शर्ट बनाओगे तो थोड़ी ना सीख पाओगे। पहली बार में शर्ट बनाने जाओगे, कुर्ता सिल दोगे, बनियान बना दोगे, या तो छोटा बना दोगे या तो बड़ा बना दोगे। तो इसका मतलब होता है छोटा बड़ा से नहीं होता, मेन रहता है कि आपको नॉलेज क्या मिली, ये सबसे बड़ी बात मायने रखती है। तो आज हम लोग उसी नॉलेज को गेन करने वाले हैं, उसी नॉलेज को समझने वाले हैं। तो ये मेरे पास देखिए दोस्त, ये मेरे पास मदरबोर्ड है, और इस मदरबोर्ड के अंदर मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहली बात, पेस्ट और रांगे का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पेस्ट रांगे का इस्तेमाल करने के बाद उसमें से किस तरीके से जम्पर वायर को कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, ये बोर्ड को मैंने स्क्रीन पर रखा, अगर आप देखेंगे तो कैमरे पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहली बात, जितने भी सारे गोल्डन प्रिंट होते हैं, कोई भी गोल्डन प्रिंट होता है, उस गोल्डन प्रिंट में हमको क्या करना है, सोल्डर लगाना है। तो सोल्डर लगाने के लिए दोस्त आपको क्या करना होता है, सबसे पहली बात पेस्ट का इस्तेमाल करना होता है। आपको पेस्ट ले लीजिए, मैं एक पिन पे सोल्डर लगाना सिखाता हूं। इस सोल्डर लगाने को ही हम लोग मोटी भाषा में बोलते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं टांका लगाना। क्या करना? टांका लगाना है, क्योंकि टांके से ही टांका लगता है। जैसे नैन से नैन लड़ते हैं ना, उसी तरीके से टांके से ही टांका लड़ता है। उसी तरीके से कोई भी मोबाइल फोन आता है, जब आप मोबाइल फोन में किसी चीज को जोड़ना चाहते हो तो इधर भी टांका होना चाहिए, उधर भी टांका होना चाहिए, मतलब इधर भी सोल्डर होना चाहिए, उधर भी सोल्डर होना चाहिए, तभी तो चीजें कनेक्ट होंगी, नहीं तो कैसे कनेक्ट होंगी। क्योंकि दोनों का मेटल सेम होना चाहिए, जैसे लोहे से लोहा पिघल के जुड़ता है, लकड़ी से लकड़ी जुड़ता है, और रबड़ से रबड़ जुड़ता है, उसी तरीके जब सेम मेटल होता है तभी जुड़ता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास जैसे अगर देखेंगे तो ये मेरे पास एक कीपैड बटन है। इस कीपैड बटन पे हम लोग क्या करते हैं, पहले पेस्ट लगा लेते हैं। देखिए मैंने पेस्ट लगा दिया, पेस्ट को ऐसे लगाना होता है जैसे चेहरे पर फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हो कि गोरे भी हो जाओ दिखाई भी ना पड़े, ये नहीं कि पूरा थोप थाप लो साबुन की तरह। तो बिल्कुल क्या करना होता है, पेस्ट को बहुत हल्का लगाना होता है। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मैं काम कर रहा हूं, ये मेरा किया हुआ काम सारा कुछ यहां पर कैमरे पर दिखाई दे रहा है, और आप इस चीज को फॉलो करिएगा। आपके हाथ में सेम यही प्लेट आएगी जो प्लेट मैंने यहां रख रखी है, कोई हमने कोई अलग से कलाकारी नहीं कर रखी, बस सीधा इधर का उधर, समझे ना। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां पर जो बटन है, इस बटन पर हमने क्या कर दिया, पेस्ट लगा लिया। पेस्ट लगाने के बाद
अब आपको क्या करना होता है, सोल्डर लेना होता है। आपके पास अच्छी क्वालिटी की आयरन होनी चाहिए, जितनी बेहतर क्वालिटी की आयरन होगी उतना बेहतर काम करेंगे, वरना आप काम करने के लिए जनरली 100 120 रुपए की भी आयरन ले सकते हैं और 25 वॉट की आयरन लीजिए। पहले जनरली काम करने के लिए 25 25 वॉट की आयरन ले लीजिए, और अगर महीन काम करने के लिए आपको 8 वॉट की आयरन लीजिए, और अगर आईसीयू पे काम करना है तो फिर आप कम से कम जो आयरन लेंगे 50 से 60 वॉट की अच्छी आयरन ले लीजिए। अब हम बात करेंगे इसको कैसे सोल्डर को इसमें से लगाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, हमने सोल्डर लिया, सोल्डर को क्या करेंगे, आयरन पे लगाएंगे। जैसे अगर आप देखेंगे तो मैंने ये मेरे पास आयरन है, अगर इस आयरन में कार्बन आ जाता है, क्या आ जाता है, कार्बन आ जाता है, तो इस आयरन को आप क्या करेंगे, कार्बन को साफ कर लेंगे। आयरन बिल्कुल साफ इस तरीके से चमकता हुआ दिखना चाहिए, इसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। जब साफ चमकता हुआ दिखेगा तो इसमें आपको क्या कर देना, हल्का सा सोल्डर ले लेना। देखिए एक सोल्डर लग गया, जैसे आप आयरन लगाएंगे तो आयरन लगाते ही सोल्डर क्या होता है, पिघलता है। देखिए दोस्तों मैं दोबारा आपको बताता हूं, ये आयरन लिया और आयरन पे आपको क्या करना है, सोल्डर लगाना है। लग रहा है ना सोल्डर, ये रांगा पिघल रहा है ना, इस रांगे पिघलने को अब इसी रांगे को आपको क्या करना है, आपके जो कीपैड जो बटन है इस बटन पर लगाना है। कैसे लगाना है, जितना एक्स्ट्रा रांगा उसको बाहर कर दीजिए। ये देखिए, ये हमारा क्या होगा, जो हमारा बटन था इस पर हमने सोल्डर लगा दिया, सोल्डर का मतलब रांगा लगा दिया। अब इस रांगे को हटाने का भी क्या तरीका होता है, मैं डिसोल्डिंग वायर से उसको भी यूज करना बताऊंगा, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे मैंने यहां पर लगा दिया, उसके बाद फिर मेरे पास दूसरा कीपैड है, दूसरी पिन है, तो मैंने क्या किया, उस पर भी लगा दिया। इसके लिए फिर से आपको हल्का सा सोल्डर लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वहां पर लगाने जा रहे हैं तो आपके आयरन में ऑलरेडी सोल्डर पहले से होना चाहिए। ये सारी बिल्कुल सर छोटा वीडियो है, बेसिक बहुत कह सकते हैं, लेकिन यही सब चीजें आपको सीखने पे मदद करती हैं और यही सब चीजें आपको सीखने पे मजबूर करती हैं। ऐसे हमने क्या किया, दोनों पॉइंटों को क्या कर लिया, साफ कर लिया। जैसे दोनों पॉइंट को साफ कर लिया, तो दोनों पॉइंट को साफ करने के बाद, अब जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लिया मेरा इस बटन की सप्लाई यहां से टूट गई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक सप्लाई को यहां जोड़ना पड़ेगा, दूसरी सप्लाई को हमको इधर जोड़ना पड़ेगा। अब इसका करंट यहां पर पास हो जाएगा, ये दोनों चीज आपस में कनेक्ट हो जाएगी। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपस में जोड़ना, ट्रैक जोड़ना, सप्लाई पास करना, जम्पर लगाना आप कह सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब जम्पर वायर लेंगे। जैसे ही हमारे पास जम्पर वायर है, देखिए जम्पर वायर क्या है, जम्पर वायर इस तरीके से देखिए, रेड कलर का एक वायर आता है, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस रेड कलर वायर के ऊपर बहुत महीन सी इसके ऊपर एक पॉलिश लगी होती है, क्या लगी होती है, पॉलिश लगी होती है। अगर आप देखेंगे तो वो पॉलिश इसलिए लगी होती है ताकि किसी भी चीज को, जैसे मैंने कह दिया कि यहां से लेकर मैंने इसको जोड़ दिया, तो जहां से मैं इसको जोड़ूंगा तो वहीं पर जुड़ेगी, बाकी बीच में से अटैच नहीं होगी। अगर इसकी पॉलिश उतर जाएगी तो वो बीच में जुड़ जाएगी। तो ये हमारा एक वायर होता है जो आपस में कनेक्टिविटी करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। अब देखिए सबसे पहली बात, इस वायर को जब आप यहां से यहां कनेक्ट करेंगे तो पहले आपको क्या करना है, हल्का सा पेस्ट लेना है। देखिए अब इसको कैसे, वायर को क्लीन कैसे करना है, देखिए मैंने यहाँ पर ढक्कन रखा हुआ है ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। सबसे पहले क्या करना है, आपको पेस्ट लेना है। क्या करना दोस्त, पेस्ट लेना है ऐसे। अब आपको क्या करना है, ये जो जंपर वायर है, इस जंपर वायर को पेस्ट में रख करके साफ करना है। देखिए कैसे साफ होगा, इसके ऊपर जो हल्की सी महीन सी जो निकिल सी लेयर होती है ना, वो क्लीन हो जाएगी, फिर बिल्कुल व्हाइट व्हाइट कलर का बिल्कुल चमकने लगेगा। देखिए अब आपने आयरन लिया, आयरन पे हल्का सा आपका सोल्डर लगा होना चाहिए। सोल्डर लगने के बाद अब आपको क्या करना है, पेस्ट पे हमने जंपर को रखा। अभी देखिए जंपर आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना रेड कलर का। अब देखिए जब मैं इसको साफ करूंगा, देखिए जब हमने इसको साफ किया तो साफ करने के बाद ये कैसा हो गया, रेड से। आप गौर से देखिए आपको कैसा हो गया, व्हाइट हो गया।
मतलब इतना हिस्सा जो रेड है, बाकी जितना मैंने साफ कर दिया वो हमारा क्या हो गया, व्हाइट हो गया। व्हाइट होने का मतलब होता है उसमें जो चारों तरफ की जो निकल थी वो बर्न हो गई, जल गई, और हमारा अंदर का वायर निकल आया। अब उस वायर को हमको क्या करना, बोर्ड पे कनेक्ट करना है। जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड में हमको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, फिर आपको वायर को लेना है, रांगे पर रखना है, आयरन को ऐसे जैसे टच करेंगे तो टच करते ये पिघल करके इससे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। देखिए ये टांका आपका लग गया, ये जम्पर इससे जुड़ गया। अब देखिए मैं बोर्ड को अगर खींचूंगा, देखिए खींच जाएगा, इतना टांका मजबूत होना चाहिए कि ये नहीं कि मोबाइल फोन ऐसे खट से गिर गया और आपका टांका खुल गया। कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन में जब आप ठीक कराने जाते हैं और चार्जिंग कनेक्टर कोई लगा देता है, कोई सप्लाई जोड़ देता है, फिर एक दो दिन बाद हिल जाता है, टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि टांका सही से लगा नहीं है। टांका मजबूत ऐसा होना चाहिए कि जो बोर्ड है ना, देखो ऐसा मजबूत टांका होना चाहिए कि मतलब कोई भी हल्के से खुलना नहीं चाहिए। अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब इसी तरीके से मैं इस सप्लाई को दूसरी जगह जोड़ना चाहता हूं। दूसरी जगह से जोड़ने का मतलब होता है जैसे मेरा ये बटन है जो मैंने यहां पर जोड़ रखा है, अब इसको मुझे यहां पर जोड़ना है। तो यहां पर जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इस वायर को हमको मोड़ना पड़ेगा। वायर को मोड़ने के बाद इसका वायर का फिर थोड़ा सा हिस्सा हमको क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम साफ नहीं करेंगे तब तक इसको हम लोग अटैच नहीं कर पाएंगे। देखिए ये देखिए छिल गए। अब इसको छिलने के बाद अब आपको क्या करेंगे, इसको लेंगे और यहां पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे आप इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इस तरीके से सर्जिकल ब्लेड आते हैं। अब ब्लेड से क्या करेंगे, आप इसको कट कर देंगे। जैसे कट कर देंगे तो अगर आप देखेंगे तो यहां से सप्लाई को हमने जोड़ दिया। कई बार ऐसा हमारे मोबाइल फोन के अंदर देखा जाता है कि जैसे दोनों पैड है, इसकी सप्लाई यहां से जुड़ी होती है, यहां से जुड़ी होती है, तो अगर एक पैड काम करना बंद कर देता है तो हम साइड वाले पैड से उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि यहां से इसकी जो कनेक्टिविटी होती है, इसकी कनेक्टिविटी को यहां से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जोड़ने से ये सप्लाई चलना चालू हो जाती है। अच्छा, सप्लाई कैसे जुड़ेगी, ये बहुत महीन सा तार, इतना महीन सा तार है कि ये समझ लीजिए बीच में अंदर बंद भी हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा। इससे आप ये कनेक्ट कर सकते हैं, इससे ये कनेक्ट कर सकते हैं, इससे ये कनेक्ट कर, मतलब कहीं से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। अगर इन्हीं जम्पर वायर की बात करेंगे तो मोबाइल फोन मदरबोर्ड के अंदर देखेंगे तो बहुत महीन महीन से देखो ट्रैक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रैक इसीलिए होते हैं ताकि एक सप्लाई को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करते हैं या एक कनेक्टिविटी को दूसरी जगह पर कनेक्टिविटी होती है। मैं एक आपको एग्जांपल समझाता हूं कि जैसे आपका घर होता है, आपके घर में बल्ब लगा है, पंखा लगा है, एसी लगा है, फ्रिज लगा है, कूलर लगा है, टीवी लगा है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन सब कुछ भाई हवा में थोड़ी नहीं चल रहा है, उसका एक कनेक्शन किया गया है। कनेक्शन का मतलब होता है वहां से मेन लाइन आई, मेन लाइन से फिर होल्डर पे गई, स्विच पे गई, स्विच के बाद पंखे पे गई। तो ये सप्लाई ऐसे ही हमारे मोबाइल फोन के अंदर भी दौड़ रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब वो सप्लाई ब्रेक हो जाती है, सप्लाई खराब हो जाती है, तो इस जम्पर वायर के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग दोस्त, मैंने आपको जम्पर लगाना बताया है, मैंने ये आपको एक बार बताया। आप इस काम को कितनी बार करिए, 50 बार करिए, तो पहली बार तो आपसे अच्छा नहीं होगा, दूसरे बार में आपका दिमाग खराब होगा, तीसरी बार में सुधरना चालू होगा, चौथी बार में बेहतर लगेगा, उसके बाद जितनी बार करते जाएंगे तो बेहतर 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 बेहतर। अब अच्छा, जम्पर वायर को कैसे करना है, जम्पर वायर जितना बड़ा साइज का उतना बड़ा तोड़ लेना है। जम्पर वायर को पहले उसके ऊपर लेयर लगी होती है, उस लेयर को पेस्ट में रख करके निकिल को छील लेना है। उसको छीलने के बाद इसको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। जैसे कनेक्ट करोगे तो आपस में कनेक्ट हो जाएगा और ये चीज हमारी जुड़ गई। अब ये जम्पर यहीं पर नहीं लगाया जाता, ये कीपैड में मैंने लगा दिया, मैंने एक बटन में लगा के बताया, तुम पूरे बोर्ड के जितनी सारी बटन है सब बटन पे लगा के लगाइएगा। अच्छा, जो और भी लोग अगर आप चेक कराना चाहते हो तो आप बोर्ड लीजिए, उसमें जम्पर लगाइए, फिर हमको फोटो भेजिएगा ताकि हम तुमको देख के बताएंगे कि तुम बढ़िया काम कर रहे हो कि अच्छा काम नहीं कर रहे हो, कोई कमी होगी तो उसको सुधार भी बताएंगे। अब उसके बाद जैसे मेरे पास अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास स्क्रीन है, ये डिस्प्ले है, इसकी पिन है, इसकी पिनों में देखेंगे सारी पिनें उबड़ खाबड़ है। तो इन पिनों को पहले हमको क्या करना है, पेस्ट लेना है। क्या करना है, पेस्ट लेना है। जितनी भी सारी पिनें हैं, सारी पिनों पे आपको ऐसे क्या कर लेना है, पेस्ट लगा लेना है। पेस्ट लगाने के बाद फिर आपको आयरन लेना है,
आयरन से जितनी भी सारी पिन है, सारी पिनों को एक एक करके आपको क्लीन करना है। अगर आप देखेंगे, दिखाई दे रहा ना सर सभी को, देखिए जितनी भी सारी पिन है, सारी पिनों को क्या करना है, इस तरीके से क्लीन कर लेना है। जब सारी पिनों को क्लीन कर लेंगे तो आपका सोल्डर साफ हो जाएगा और बेहतर तरीके से आपकी पिने क्लीन होकर के निकल आएंगे। आप इसमें से कोई भी चीज को अटैच कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या, मैं आपको कहना चाहता हूं, रिपेयरिंग की दुनिया में अगर आपको रिपेयरिंग का मास्टर बनना है, जैसे पढ़ाई लिखाई का मास्टर बनना है ना, तो आपको लिखना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लिखना। पढ़ाना कैसे? पहले चालू होता है लिखना। अगर लिखना नहीं है तो पढ़ना बेकार है। जैसे बच्चा नहीं होता, बच्चे को का से कमल बाद में, लेकिन पहले का बनाए। जब तक का नहीं बनाएगा, ए नहीं बनाएगा, तब तक वो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो उसको पहले क्या होता है, लिखना। उसी तरीके से हमारी जो रिपेयरिंग की दुनिया होती है, उस रिपेयरिंग की दुनिया में अगर आपको मास्टर बनना है तो आपको आयरन चलाना आना चाहिए, पेन चलाना आना चाहिए, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको आयरन पे ही पहले आपको हाथ मजबूत कर रहा हूं। अब सबसे पहली बात, हम लोग फिर पेस्ट लेंगे, जितनी सारी पिनें हैं सारी पिनों को साफ करेंगे। साफ करने के बाद पेस्ट से सारी डिस्प्ले की सारी पिनों में करके दिखाएंगे। एक बार हम करके दिखाएंगे, दोबारा आप अपने मन से करेंगे, ठीक है? ये वीडियो आपकी ट्रेनिंग के पर्पज से है, ताकि आप सीख सकें, कुछ अच्छा काम कर सकें। चलिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये पिन है इस पिन को क्या करेंगे, साफ करेंगे। देखिए साफ कर दिया, जैसे जंपर पर मैंने साफ किया तो देखिए पिन हमारी कैसे हो गई, लाल से कैसे निकल आई, व्हाइट कलर निकल आई। अब हमको इस पिन को क्या करना है, किसी पिन पे कनेक्ट करना है, तो वहां पर रखेंगे, ऐसे आयरन टच करेंगे और ये हमारा चीज लग गया। ब्लेड से हल्का सा रख के कट करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, जो नीचे का ट्रैक कट जाए। उसके बाद फिर दूसरी पिन है, दूसरी पिन को साफ करेंगे, फिर दूसरी पिन पर लगा देंगे। आप पहले फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो आप एक एक का गैप रखिए, आप चाहे तो आयरन रखिए, ऐसे कर दीजिए टूट जाएगा। एक एक का गैप इसलिए रखिए ताकि आप अच्छी तरीके से कर पाए। जितनी सारी पिन है सारी पिनों को ऐसे क्या कर देना है, जोड़ देना है। मैं सारी पिनों पर इस तरीके से जम्पर कर रहा हूं। ये जितने भी सारे डिस्प्ले के जो पॉइंट्स है, मैंने सारे पॉइंट्स में अलग अलग मैंने जम्पर कर दिए हैं, और जम्पर करने के बाद उनको अलग अलग कर दिया। जम्पर लगाते समय किस बात का ध्यान रखना होता है, सबसे पहली बात सावधानी क्या रखनी होती है, जब आप जम्पर को इस बोर्ड में लगाएंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आप उतना ही जोड़ेंगे, उतना ही छीलेंगे जितना यहां पर अटैच करना है। ये नहीं कि पूरा रंग को तार से छील दिया, जैसे हम लोग घर में दो तार नहीं होते थे, छील के जब वापस जोड़ते हैं तो दांतों से उतना ही छीलते हैं जितना हमको क्या करना है, जोड़ना है। ये नहीं कि एक तरफ थोड़ा कर दिया, दूसरे तरफ पूरा आधा वायर उतार के कर दिया, फिर आपस में शॉर्ट मारेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उतना ही छीलना है। जम्पर लगाने के बाद जम्पर आपका ऐसा लगा होना चाहिए, आप इसको कितना भी हिलाएं डुलाएं लेकिन वो हटना नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, ताकि आपका मदरबोर्ड कल को अगर ऐसे करके ऐसे मदरबोर्ड गिर पड़ता है या मोबाइल फोन गिर पड़ता है, तो कोई भी जम्पर बोर्ड से नहीं हटना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से मोबाइल फोन में से जम्परिंग करें। तो जैसे कि मैंने आज दोस्तों मैंने आपको कीपैड में जम्पर लगाने के लिए मैंने बताया है, ये मैंने डिस्प्ले में जम्पर लगाने के लिए बताया, इसी तरीके से आप लोग बोर्ड को अरेंज करिए। बोर्ड को अरेंज करने के बाद उस पर काम करिए। अब मान लिया मेरे पास कोई मोबाइल फोन आया, उस मोबाइल फोन में कोई भी सप्लाई ब्रेक हो जाती, मदरबोर्ड में मान लिया कोई सप्लाई ब्रेक हो जाती। जैसे एग्जांपल से बात बताता हूं, मेरे फोन के अंदर ये चार्जिंग कनेक्टर लगा है और हमने क्या किया, चार्जिंग कनेक्टर हमारा खराब हो गया। चार्जिंग कनेक्टर खराब होने पर कस्टमर ने या जबरदस्ती घुसेड़ दिया तो उसका जैक का प्रिंट उखड़ गया, सप्लाई खराब हो गया, लाइन खराब हो गया। अब लाइन खराब हो गया तो जनरल सी बात है कि जैसा मेरा चार्जिंग कनेक्टर है तो इस चार्जिंग कनेक्टर में जितनी सारी पिनें हैं, आप भी सब समझदार हैं,
कि जो भी सारी पिने हैं तो ये सारी पिने कोई ऐसा हवा में लहराने के लिए तो बनी नहीं है, ये इसलिए लगाई गई है ताकि यहां से जब हमारा कनेक्टर ऐसे घुसता है, क्या होता है कनेक्टर घुसता है तो इसकी सप्लाई मदरबोर्ड के अंदर जाती है। तो मदरबोर्ड में कहां कहां जाती है ये तो सर मैं आपको ट्रैक चेक करने में हम आपको सिखाते हैं जब मेरे पास सीखने के लिए आते हैं कि कौन सी लाइन कहां जा रही है, किस पे कितना वोल्टेज जा रहा है, कैसे सप्लाई चल रही। अब बारी आती है कि अगर ये सप्लाई खराब हो जाती है, जैसे किसी ने जैक उखाड़ा, जैक उखाड़ते समय मदरबोर्ड का ये प्रिंट उखड़ गया, अब आप क्या करिए नया चार्जिंग कनेक्टर खरीद के लाएंगे। जब नया चार्जिंग कनेक्टर खरीद के लाएंगे तो यहां पर कनेक्टर को क्या करेंगे लगा देंगे, कनेक्टर लगा देंगे तो कनेक्टर में तो पिन होगी लेकिन मदरबोर्ड में पिन नहीं होगी। तो उस कंडीशन पर हमको क्या करना पड़ेगा, अगर आप देखेंगे तो जनरल भाषा में मैं आपको बताता हूं कि ये जो यहां से जो डायोड लगा है, इस डायोड से उठा करके अगर हम यहां पर जम्पर लगा देते हैं या स्ट्रिप्स पे लगा देते हैं या इस क्वाइल पे लगा देते हैं तो हमारे मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्जिंग की हमारी सप्लाई क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। अब देखिए मैं इसको जम्पर लगा के दिखाता हूं तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्त ट्रैक जम्पर। क्या बोलते हैं? ट्रैक जम्पर। या कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लिया आपके पास कोई मोबाइल फोन आया, उस मोबाइल फोन में से ये इस प्रिंट उखड़ गया, तो इस प्रिंट को उखड़ने के बाद हमारे मदरबोर्ड के अंदर बहुत बहुत महीन महीन से लेयर्स होते हैं। जैसे ये ट्रैक है ये उखड़ गया, तो अगर आप देखेंगे तो एक लाइनिंग चलता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन चलता हुआ दिख रहा है इसी लाइन को आपको क्या करना है, स्क्रैच मारना है। क्या करना है? जैसे स्क्रैच मारेंगे तो व्हाइट कलर का निकल आएगा। इस पे हल्का सा पेस्ट लगाइए, पेस्ट लगाने के बाद रंगा लगा करके व्हाइट व्हाइट कर दीजिए, फिर यहां से उठा करके इसको जोड़ दीजिए। अब आपका क्या होगा, चार्जिंग कनेक्टर का सप्लाई जुड़ गया। ऐसे जम्पर को हम लोग बोलते हैं ट्रैक जम्पर। क्या बोलते हैं? ट्रैक जम्पर। तो अब देखिए मैं इसको कैसे लगाया जाता है वो मैं एक बार मैं आपको लगा के दिखाता हूं और आपको जोड़ के दिखाता हूं। अब देखिए सबसे पहला काम जम्पर को साफ करना। क्या करना भैया? जम्पर को साफ करना। अब हमने क्या करना है, हमने जैसे देखना है इस जम्पर को यहां से जोड़ना है और यहां से लेकर के इस डायोड तक जोड़ना है या इस गोले तक जोड़ना है। मान लिया यहां से उठा करके इस गोले तक जोड़ना है, तो इस गोले से जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, जम्पर वायर लीजिए, जम्पर वायर को कट कर लीजिए। जम्पर वायर को कट करने के बाद अब आप क्या करिए, पेस्ट से पहले जम्पर वायर के दोनों सिरे हैं दोनों सिरों को साफ कर लीजिए ताकि आप अच्छे से जोड़ पाए। देखिए व्हाइट व्हाइट हो गया, दिखाई दे रहा ना सभी को? तो ये हमारा व्हाइट हो गया। सर अगर हम आपको वीडियो के माध्यम से इतना सिखाने में कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं तो आपका छोटा सा फर्ज तो बनता ही है कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, वीडियो में सारी चीजें समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आप हमारी वीडियो देख के खुश हुए हैं कुछ अच्छा सीखे हुए हैं तो एक हमको मैसेज भी करें, ठीक, ताकि अगर हम आपको सीखने सिखाने में कहीं ना कहीं सपोर्ट करें तो आप भी हमारा सपोर्ट करिए, सीखिए, देखिए, आगे बढ़िए। हम लोग क्या करेंगे, इस जैक को जम्पर यहां से उठा करके यहां पर जोड़ने वाले हैं। अच्छा इस पॉइंट पर जम्पर मारने वाले हैं तो ऐसे तो जुड़ेगा नहीं, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, सिल्वर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिल्वर करना पड़ेगा। सिल्वर करने का मतलब क्या होता है, यहां पर जो हम लोग पॉइंट वो है यहां पर लगाएंगे तो यहां पर ऐसे करेंगे तो यहां पर व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, थोड़ा सा रंगा ना हो तो कहीं और से ले लीजिए, ऐसे जुड़ जाएगा। सबसे पहला क्या करना है, आपको पिन में जोड़ना है। कहां पर जोड़ना है? पिन में जोड़ना है। अब यहां पर पिन पे देखेंगे तो पिन पे हमारा जुड़ गया। पिन पे कहां जोड़ना? नीचे मदरबोर्ड के बेस पे, या जो सप्लाई दे रही है ये पिन। अब आपको क्या करना है, इस पिन पे जोड़ देना है। जब आप इस पे रखेंगे तो आयरन को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना पड़ता है। जैसे आप आयरन वहां पर रोकते हैं तो आयरन रोकने के बाद वो हमारा रांगा पिघल करके जुड़ जाता है। क्या होता है? रांगा पिघलता है। पिघलने के बाद क्या होता है? मेल्ट होता है।
और मेल्ट होते ही हमारा तार उसमें क्या हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो हमारा तार इस समय क्या हो गया है, ये ज्वाइंट हो चुका है। देखिए देखो इसको खींचेंगे तो बोर्ड भी खींच रहा है, तो हमारा अच्छे से क्या हो गया, जुड़ गया है। अब अच्छा इस जम्पर वायर को हमको क्या करना है, इस जम्पर वायर को यहां पर जोड़ना है। तो यहां पर जोड़ने के लिए जम्पर वायर का दूसरा सिरा है उसको आप ऐसे मोड़ेंगे, उसको मोड़ने के बाद उसमें आप टिप्स जो है इस टिप्स में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब अगर आप देखेंगे तो आपकी जो सप्लाई है वो इस जम्पर के माध्यम से यहां से लेकर यहां पर जुड़ चुकी है। आप चाहे तो इतना बड़ा ना लगा सकते हैं, आप छोटा सा लगा सकते हैं, यहां से यहां जोड़ दीजिए, ब्लेड से कट कर दीजिए। देखिए मैं वो भी करके आपके सामने दिखाता हूं। ये हमने हटा दिया, इसको हमने क्या किया, यहीं पर रखा, आयरन को रखा, ये अच्छे से जुड़ गया। थोड़ा सा आयरन को यहां पर रफ करिए, रगड़िए, ये आपका जुड़ चुका है। अब जुड़ने के बाद अब इस तरीके से आप सर्जिकल ब्लेड लीजिए, इस ब्लेड के माध्यम से आप इसको कट कर दीजिए। जब आप कट करेंगे तो देखिए यहाँ की जो सप्लाई है, ये आपकी जो सप्लाई है, ये सप्लाई यहां से आपकी जुड़ चुकी है और आपको इतना लंबा लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा सप्लाई यहां से जुड़ गई, तो मतलब कल को अगर कनेक्टर उखड़ जाता है, हमारा सप्लाई खराब हो जाता है, ट्रैक ब्रेक हो जाता है, कनेक्टर का प्रिंट उखड़ जाता है, तो यहां से लेके लगा सकते हैं। अब देखिए जब प्रिंट उखड़ जाता है तो ट्रैक में कैसे जम्पर लगाया जाता है, मैं आपको उसको भी बताता हूं। ट्रैक में जम्पर लगाने के लिए दोस्तों थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ये हमारा जो ट्रैक है, इस ट्रैक को सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, छीलेंगे। क्या करेंगे, छीलेंगे। कैसे छीलेंगे, अगर आप देखिए ये हमने ट्रैक को छील, अब ट्रैक को छीलने के लिए आपको क्या करना है, पेस्ट लेना है, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग ट्रैक को साफ करेंगे। अब अगर देखेंगे तो आपका ट्रैक में से आपका रांगा बन गया है, हमारे वहां की जो पॉलिश है वो पॉलिश हट चुकी है। देखिए अब हम लोग को क्या करना है, फिर वही सेम काम, आपको सबसे पहली बात क्या करना है, जम्पर वायर को क्या कर लेना है, साफ कर लेना है। देखिए सबसे पहले जम्पर के जो लेयर है उसको आप साफ करिए, आयरन को क्लीन कर लेंगे, आयरन में गंदगी मॉइस्चर नमी नहीं होनी चाहिए, उसको अच्छे से साफ कर लेंगे। अब हमको जैसे इसको जोड़ना है तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, आयरन को यहां पर स्टॉप करेंगे, आयरन को स्टॉप करते ही हमारा रांगा पिघल जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, रांगा पिघलता है। और जम्पर लगाने के बाद ध्यान रखना बगल वाली पिन तो नहीं टच होना चाहिए, वरना शॉर्ट हो जाएगा तो फायदा क्या तुम्हारा करने का। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहां जोड़ना है, तो पहले इसको छील लेंगे, देखिए ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब हमारा कनेक्ट होने के बाद फिर आपको अपना सर्जिकल ब्लेड लेना है,
जो आपने ट्रैक को जोड़ा है इस ट्रैक को क्या कर देना, यहां से कट कर देना भैया। अगर आप देखेंगे तो ये ट्रैक आपको जुड़ चुका है, ये सप्लाई अगर यहां से भी इससे खराब हो जाती तो आप इसको स्क्रैच करके जोड़ सकते हैं। तो इन जम्पर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक जम्पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैक जम्पर। इसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन के अंदर आईसीओ में भी जम्पर लगाए जाते हैं, हमारे मोबाइल फोन के अंदर सिम जैक, चार्जिंग जैक, मेमोरी जैक, हैंड फ्री जैक, कोई भी जैक के अगर सर्किट ट्रैक खराब हो जाते हैं जम्पर लगाए जाते हैं। इसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन में कंपोनेंट्स में भी सप्लाई पास करी जाती है। कंपोनेंट में सप्लाई पास करने का मतलब होता है कि कंपोनेंट में कैसे लगाया जाता है, ये दोस्तों मैं आपको फिर आगे के वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको मोबाइल फोन में देखेंगे तो मैंने कीपैड में मैंने सोल्डिंग के बारे में समझाया, इसमें जोड़ना बताया है। दूसरा दोस्तों मैंने डिस्प्ले में मैंने आपको लगाना बताया है। तीसरा, अगर आपका कोई भी कनेक्टर स्लॉट खराब हो जाता है तो कनेक्टर स्लॉट में से कैसे आप जम्पर लगाएंगे प्रॉपर तरीके से, उसका तरीका बताया। ये वीडियो जो है ये पूरी प्रैक्टिकली वीडियो है। अच्छा, जब आप जम्पर लगा देंगे तो जम्पर लगाने के बाद मैं आपको एक चीज और दिखाने चाहता हूं। ये हमारा इस तरीके से आता है यूवी ग्लू। क्या आता है? यूवी ग्लू। आप क्या करेंगे, इस यूवी ग्लू के माध्यम से इस जम्पर को अच्छे से मदरबोर्ड में क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने से क्या होता है, हिलने डुलने का जो शिकायत है वो खत्म हो जाएगा। ये ग्रीन कलर का ग्लू आता है, इसको आप ले लेंगे। इसको लेने के बाद जैसे आपने यहां पर जम्पर लगा दिया है तो ऐसे हरा हरा कलर लगा देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। ना भी लगाएंगे तब भी कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, लेकिन अगर इतना थोड़ा सा काम और कर देंगे तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात है ना। जैसे खाना खाओ फिर खाने बाद मीठा मिल जाए, उसी तरीके से क्या है ये। अब आपने क्या कर दिया, ग्लू लगा दिया। ग्लू लगाने से क्या होता है, ये हमारे ग्रीन कलर की वही लिक्विड होता है, आप इसको वही कह सकते हैं कि जैसे आपके मोबाइल फोन के अंदर ये पॉलिश, ये ग्रीन कलर की नहीं आती, ग्रीन में भी आता है, येलो में भी आता है, रेड में भी आता है, ब्लैक में भी आता है, अलग अलग कलर में आता है। तो इसमें क्या रहता है, मेरे पास जैसे ग्रीन ही है तो जैसे मेरा ये बोर्ड है तो इस बोर्ड में देखेंगे पॉलिश है। मैं थोड़ा सा स्क्रैच करता हूं, अगर आप देखेंगे देखो एक निकल रहा है ना, तो ये जो निकल रहा है ना ये वही आइटम है। ये वही पॉलिश है। तो इससे लगाने से क्या रहता है, आपका जम्पर वायर की जो शॉर्टिंग है वो खत्म हो जाए, क्योंकि उसको लेयर लग जाएगी। और फिर इसके लिए एक यूवी लैंप भी आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो यहां पर रख करके उसको सुखा देते हैं। तो सुखाने के बाद क्या होता है, 5 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ना होता है। ये बिल्कुल उसको क्या कर देता है, बिल्कुल पत्थर कर देगा, बिल्कुल ऐसा जाम कर देगा, फोन तुम्हारा कुछ भी खराब हो जाए लेकिन यहां से जम्पर नहीं हिलने डुलने वाला है, यहां पे बिल्कुल फिक्स हो गया। इसी तरीके से आप यहां भी कर सकते हैं, डिस्प्ले के जितने पॉइंट्स होते हैं किसी भी पॉइंट्स में जोड़ने के बाद आप कर सकते हैं, ताकि आपस में कभी भी शॉर्टिंग वॉटिंग ना हो। तो आप इसका भी लगाने के बाद यूज कर सकते हैं, पेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मैं आपको आगे बताता हूं और आगे बताता हूं। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये सारा काम करने के बाद आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और काफी कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो पर, नए टॉपिक के ऊपर, और नई चीज मैं आपको प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा। ये वीडियो को आप देखिए, वीडियो को देखने के बाद सीखिए, काम करिए। अगर इस काम को लगातार करते हैं तो मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूं आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग में मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सारी बेसिक वीडियो है, इन बेसिक वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्त इन सब चीजों को और पूरा प्रॉपर 100% तरीके से सीखने के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं सीखने के लिए। अच्छा दोस्त, ये जो वीडियो में मैंने आपको बताया, ये वीडियो हमारी वीडियो को आप डेमो वीडियो भी समझ सकते हैं। हम इसी तरीके से जितने भी सारे लोग होते हैं सभी लोगों को मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने का तरीका सिखाते हैं। ये हमारा पूरा क्लास का सेटअप है, यहाँ पर जितने भी सारे बच्चे होते हैं सारे सब लोग बच्चे बैठते हैं। हमारे पास माइक्रोस्कोप, कैमरा, डीएसओ, डीसी पावर सप्लाई मशीन, आयरन, हॉट गन, जितने भी सारे टूल्स क्लास में से लगे होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से क्लास की लैब होती है जिसमें सारे बच्चे सब लोग बैठते हैं। सारे बैठने के बाद एक एक करके उनको सब चीजों के बारे में सिखाया जाता है, क्योंकि हमारा काम है सबसे पहली चीज आपको सिखाना। क्योंकि दोस्त जब तक आप किसी चीज को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो हमारा सिखाने का पूरा सेटअप है।
फिर हमारी लैब बनी है, जब हम बच्चों को सिखा देते हैं तो उनको लैब में भेजते हैं, तो हमारे सिखाए हुए काम को प्रैक्टिकल करते हैं। इसीलिए जो बाहर से बच्चे आते हैं तो उनको सीखने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बना रखा है, 8 घंटे क्लास है। 8 घंटे क्लास में से अगर आप देखेंगे तो 8 घंटे क्लास में से 2 घंटे उनका थ्योरी होता है, 2 घंटे उनका प्रैक्टिकल होता है। और जो सिखाया जाता है, जो थ्योरी होता है, वो जो मैं बोर्ड पे होता है तो मैं समझाता हूँ, लेकिन पूरे प्रैक्टिकली एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, फिर उसी तरीके से बच्चे लैब में होते हैं वहां पर उस चीज का प्रैक्टिकल करते हैं, और एक एक काम को कई बार करते हैं जब तक उनके हाथ में मजबूती नहीं आती, उनका हाथ नहीं साफ हो जाता, काम करने का तरीका बिल्कुल नहीं पता हो जाता। तो दोस्त, मेरे पास जो भी बच्चे सीखने के लिए आते हैं तो उनको प्रैक्टिकली मैं अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करके ही भेजता हूं, ताकि अच्छी तरीके से जाएं और हमें बेहतर तरीके से अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चलाएं। तो इन वीडियो को, हमारी डेमो वीडियो देखें, और वीडियो देखने बाद आप ऐसा ही करें और आपको बहुत कुछ काम करने का तरीका पता चलेगा, सीखने का तरीका पता चलेगा। इसी तरीके से मोबाइल फोन के अंदर जम्पर लगाना, जैक लगाना, स्लॉट लगाना, डिस्प्ले लगाना, काम्बो लगाना, ग्लास लगाना, मोबाइल फोन से संबंधित एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें जो है जो मैं आपको करके दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो पर, नए टॉपिक के ऊपर और नई चीज के ऊपर समझते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। हमारी वीडियो को शेयर करें, और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे नीचे हुए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू दोस्तों।